बाबा जी का नाम बाबा जी कर। देखिए भाई का 70 इंच का डोला। व्हाट्सएप गाइस, एक बार फिर से इस ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं हिमाचल के सबसे बड़े मंदिर राधा कृष्ण मंदिर में। तो मेरे साथ है मेरा छोटा ब्रदर तरुण। चले तरुण, लेट्स गो। तो ब्लॉग में बने रहिए। राधा कृष्ण का मंदिर बड़ो में स्थित है। बड़ो मंदिर की दूरी यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर है। तो चलते हैं गाइस मंदिर की तरफ। इस मंदिर की दूरी लगभग कांगड़ा से 3 किलोमीटर है। इस जगह से हम जा रहे हैं, इस विलेज का नाम है स्रोत्री। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी आईटीआई है जहाँ पर काफी ट्रेड है। तो आपको बताते हैं वो आईटीआई। ये है स्रोत्री की आईटीआई और ये तरुण भाई ड्राइविंग करते हुए बाइक पर। तो हम पहुंच चुके हैं बाथू पुल पर। तो ये बड़ो का नया बस स्टैंड है जो कि पूर्व विधायक जीएस बाली जी ने बनवाया है। और यहाँ से रानीताल की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है और बड़ो की दूरी 1 किलोमीटर। ये बाबा बड़ो का हॉस्पिटल है जो सामने दिख रहा है और ये है बड़ो का पेट्रोल पंप। तो गाय, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के बिल्कुल नज़दीक। तो गाय, हम पहुँच चुके हैं हिमाचल के सबसे बड़े राधा कृष्ण मंदिर में जो कि बड़ो में स्थित है। तो आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का व्यू। आपको मंदिर की बिल्डिंग चारों ओर से दिखाते हैं। ये रहा मंदिर का मेन द्वार। अंदर से मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। जिन भी मिस्त्रियों ने इस मंदिर का निर्माण किया हुआ है उनको मेरा सलाम। काफी शानदार तरीके से इस मंदिर की बनावट की हुई है। तो ये रही राधा कृष्ण जी की मूर्ति। इस मंदिर का निर्माण बलिराम शर्मा जी ने करवाया था। यह मंदिर पहले बड़ के पेड़ के नीचे था जिसके चलते लोग इस मंदिर को बाबा बड़ो मंदिर कहकर पुकारने लगे। मंदिर में एक मंजिल में भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति रखी है। बाबा बड़ो मंदिर को भगवान कृष्ण और राधा के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर की बनावट की हुई है। ये सामने आपको झूमर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर 2 मंजिला है। अब चलते हैं मंदिर की दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर दुर्गा माता की मूर्ति रखी हुई है। इस मंदिर के निर्माण में आधुनिक वास्तुकला और प्राचीन दक्षिणी भारत की वास्तुकला का मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर के दूसरी मंजिल में कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है। यहाँ पर शेर की प्रतिमा रखी हुई है। दूसरी मंजिल से नीचे का नजारा बहुत ही शानदार लग रहा है। ये है लूना एकेडमी। यहाँ पर आर्मी पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इस एकेडमी में काफ़ी दूर दूर से बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं और काफ़ी बच्चे भर्ती भी हुए हैं। इस एकेडमी को 5-6 साल हो गए हैं। मंदिर के साथ मार्केट है और ये है मंदिर का मेन दरवाजा। बहुत ही बढ़िया व्यू। तो गाइस, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस मंदिर के साथ 2 छोटे छोटे मंदिर भी है। एक शिव मंदिर है और एक साईं बाबा जी का मंदिर है। तो ये मेरे पीछे शिव मंदिर है, आपको सामने से बताते हैं शिव मंदिर का मेन गेट। और ये है साईं बाबा जी का मंदिर। आपको दिखाते हैं साईं बाबा जी की मूर्ति।
और इस मंदिर के साथ हनुमान जी की मूर्ति भी रखी हुई है। बहुत ही शानदार दृश्य है इस मंदिर का। ये देखिए कितने शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ मंदिर है। और मंदिर के सामने से डिग्री कॉलेज दिखाई देता है और साथ में एक छोटा सा प्राइवेट स्कूल है, आपको सामने दिख रहा होगा। चुके हैं अभिषेक भाई जी, तो आपको मिलाता हूँ अभी। और अभिषेक भाई जी कहाँ पे आज? बस यहाँ बाबा बड़ो आया था और थोड़ा काम था यहाँ पे, तो वो काम निपटा के आज मंदिर के दर्शन करने थे भगवान के, यहाँ आ गया था। और आपका यूट्यूब पे चैनल है? हाँ ठीक चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा हिमाचल बॉडी बिल्डिंग मोटिवेशन के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। आपको बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड अगर कोई टिप्स चाहिए, डाइट प्लानिंग के बारे में या बॉडी के वर्कआउट्स के बारे में जानना है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इस टाइम देख रहे हैं अपने हिमाचली ब्लॉगर्स, और ये हैं हमारे विकास भाई, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। और भाई आपका बाइसेप भी है, बताना जरा। 17 इंच का भाई का बाइसेप है। 17 इंच का है, अभी चल रही है ट्रेनिंग। और ये यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं? हाँ वीडियो से चलते रहते हैं। अब कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, कुछ लड़के हैं अपने, वो बोलते रहते हैं कि भाई हमें बताओ कि कैसे क्या चीज़ करनी है, तो चलती रहती है ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेते भाई हम, इसका कोई ऐसा नहीं। और भाई आपका चैनल भी है मिशन कमीशन नाम का? हाँ, स्टडी से रिलेटेड भी एक मेरा चैनल है, वहाँ पे जितनी भी जॉब्स वगैरह निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब जितनी निकलती हैं, कई लड़कों को उसके बारे में पता नहीं चलता तो मिस कर देते हैं चांस, तो आप मिशन कमीशन के नाम से वहाँ पे जितनी भी जॉब्स आती हैं उसके वीडियोज़ में अपलोड करता हूँ कि सारा उसमें बताता रहता है। भाई एक बाइसेप का पोज भाई एक बाइसेप का पोज ये देखिए भाई का 17 इंच का डोला। तो भाई के वीडियो को शेयर करें, वो वीडियो को लाइक करिए। तो गाइस अभी आपको हम ले चलते हैं आपको बाबा बड़ो के प्राचीन मंदिर में, कालीनाथ जी का मंदिर है। ये देखिए बच्चों के खिलौने। ये रहा बाबा कालीनाथ जी का मंदिर। ये हमारे नंदी बैल जी, और ये शनि देव जी का साथ में छोटा सा मंदिर। ये है बाबा कालीनाथ जी के मंदिर की हिस्ट्री। वही आप कहाँ से आए घूमने के लिए? ज्वाला जी। ज्वाला जी, और कैसा लगा बाबा बड़ो आके मंदिर? अच्छा अच्छा बढ़िया। नए मंदिर भी गए? नहीं नहीं अभी। अच्छा अच्छा चलो करो दर्शन। तो चलते हैं मंदिर के अंदर। हेलो हेलो बेटा, कैसे हो? हमारे पंडित जी है इस कालीनाथ बाबा मंदिर के, तो इसके बारे में बताएंगे, इसकी मंदिर की स्थापना कब हुई? ये बाबा कालीनाथ जी का मंदिर है, बाबा बड़ो, यह बाबा बड़ो नाम इस करके रखा गया था क्योंकि यहाँ बड़े बहुत है, बाबा जी का नाम बाबा जी करके और बड़ो बड़ा करके रखा गया। ये कुल देवता है लोगों का, यहाँ पर जैसे ब्याह शादियाँ होती है तब भी सारे जो पब्लिक जो है यहाँ की वो यहाँ पधारी देने आते हैं, और बच्चों के बाल भी है यहाँ चढ़ते, कुल देवता भी और कुल देवी। ये बाबा कालीनाथ काफ़ी प्राचीन कौरवों पांडवों के टाइम का ये छोटा जैसा मंदिर है अंदर, ये कौरवों पांडवों के टाइम है, और सामने ये पिंडी जो असली पिंडी जो है, ये पिंडी जो है ये बाबा कालीनाथ की शिवजी भगवान की, और अंदर दूसरी पिंडी जो है वो काली माता की है। ये छोटा जैसा मंदिर जो है ये कौरवा पांडवों के टाइम का मंदिर बना हुआ है, ये बाहर का मंदिर जो है राजा संसार चंद ने गलेर वाले ने बनाया था, 20 दरवाजे वाला मंदिर है। इसके बाबा जी का जब ये मंदिर बना तो उसके बाद गदेरना नाम जगह हुई, वहाँ की रानी इस मंदिर को उखाड़ने के लिए आ गई थी कि मैं ये मंदिर नहीं छोड़ना, तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ से जितने उसके साथ गद्दी लोग आए हुए थे उन्होंने क्या किया कि आके सब उसके साथ आके जब यहाँ से एक आधा किलोमीटर दूर रह गई तो उसका जितना भी मंदिर सब हिलने शुरू हो गया, हिलने लग गया तो उसके जो पुजारी थे मांझी जी जो थे उन्होंने आके काफ़ी अरदास वगैरह की, मंदिर स्थापित नहीं हुआ, अभी गिरता कि अभी गिरता। तो जब उन्होंने मां जी ने देखा कि अरदास की कि बाबा जी अगर आप नहीं आए यहाँ पर हैं तो मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, अपना सिर उन्हें थड़े में महाराज, और खून निकला जैसे काली प्रकट होगी वो जो रानी थी वहीं की वहीं ख़त्म होगी। तो फिर उन्होंने ये 20 दरवाजे वाला मंदिर उसके बाद स्थापित हुआ।
तो ऐसे ही जैसे जिन जिन लोगों की अरदासें पूरी होती है बाबा जी के मंदिर आते हैं, मत्था टेकते हैं। ठीक है, धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद जी। जब भी आप इस मंदिर में आइए तो एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं तो उनसे बच के रहिएगा क्योंकि ये प्रसाद वगैरह छीन के ले जाते हैं। ये है बाबा बड़ो का ओल्ड बस स्टैंड, यहाँ बस से आने जाने के लिए मिलती है। ये देखिए, आज संडे है तो मार्केट बंद है। तो गाइस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी आप बड़ो आइएगा तो आलू चने खा के जाइएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मशहूर आलू चने बनाए जाते हैं। ये है वो शॉप, ये देखिए गाइस कितना बड़ा थाल आलू चने का। यहाँ पर समोसे और पकोड़े भी बनाए जाते हैं। तो ये देखिए गर्मा गर्म आलू चने। गाइस आपको नए नए वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, और अपने भाई का चैनल भी है अभिषेक भाई जी का, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले भाई। और भाई बाय बाय, भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।